अस्सलाम वालेकुम, आल न्यूज़ ऑफिशियल पे आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको शाहीन 3 मिसाइल की पूरी डिटेल बताएंगे। आखिर ये क्या बला है जिसने दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, हमारी एक वेबसाइट है एशिया पॉइंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके विजिट करें। वहाँ आपको इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की न्यूज़ और डिफाइन न्यूज़ हर चीज़ मिलेगी, और इस न्यूज़ का लिंक भी वहाँ पर है। नाजरीन, शाहीन 3 की एक घंटा की हद रफ्तार 22,220 किलोमीटर यानी आवाज से 18 गुना तेज है, और इसकी ऊंचाई की परवाज 692 किलोमीटर यानी 6,90,000 मीटर है। दोस्तों, शाहीन 3 की पहुंच 2,750 किलोमीटर है, लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 1.6 मीटर है। इसके कुल हिस्से 3 हैं। पहले 2 हिस्से ठोस ईंधन और आखिरी हिस्सा माया ईंधन से चलता है। दोस्तों, शाहीन 3 के पहले 2 हिस्से भारी भारी ईंधन जल जाने के बाद अलग होकर जमीन की तरफ गिर पड़ते हैं। आखिरी और सबसे छोटे हिस्से पे एटम बॉम्ब लदा होता है। एटम बॉम्ब का वजन 500 से 700 किलो है। एटम बॉम्ब की लंबाई 2 मीटर कतर और चौड़ाई 75 किलोमीटर है। शाहीन 3 के धमाका की कुव्वत कम से कम 2,00,000 टन बारूद के फटने के बराबर है। शाहीन 3 मिसाइल के 3 हिस्से। आखिरी हिस्सा परवास के आखिरी मिराहिल में कंप्यूटर के कंट्रोल से दाएं बाएं किया जाता है, और ये मिसाइल पीछे लगी रॉकेट मोटरें फायर करके एटम बॉम्ब को एन निशाना पे लाकर फायर कर देता है। इस वक्त एटम बॉम्ब आवाज से 18 गुना रफ्तार पे फिजा में दाखिल होता है और आग बगोला बन जाता है। नाजरीन, मिसाइल और एटम बॉम्ब के हिस्साजात को यक्के बाद देगी तरतीब से और गर्मी और रफ्तार से पैदा होने वाले नुकसान से बचाते हुए ठीक तरह चलने के लिए डिजाइन करना इंजीनियरिंग के पेचीदा तरीन कामों में से है, और इसमें हमारे मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट पे अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह नेगेबान।